नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केचिट यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कैसे हम बहुत ही कम टाइम में और अच्छी कार की स्केच कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप हमें अपने सिस्टम में पेंट खोलें और यहाँ पर जो टूल्स दिख रहे हैं आपके सामने, हम डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से हम कर्व का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर इस वक्त और फिर जो लाइन की थिकनेस है वो यहाँ पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो चलिए, आज हम एक एसयूवी गाड़ी का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बनाना है फेस। फेस का एक लाइन बना करके सिंपली हम इसे उसका कर्व दे सकेंगे इस फंक्शन से। ये हो गया फेस। अब यहां से हम बोनट एरिया में जाएंगे दोस्तों। ये हमने कर दे दिया और ये हमारा बोनट हो गया तैयार। अब हमें विंडशील बनाना होगा दोस्तों। विंडशील के लिए भी सिमिलरली आप वही टूल का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा कर्व दे दीजिए। अब वापस से कर्व पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर वापस से आप कर्व क्लिक करके लाइन आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये एसयूवी है दोस्तों, तो उसमें थोड़ी सी केबिन स्पेस ज्यादा होगी। यहां से दोस्तों हमें थोड़ी सी इलॉन्गेट शेप लगनी होगी। दोस्तों, हम यहाँ से व्यू में जा करके इसे जूम कर सकते हैं या 100% में आ सकते हैं। कुछ गलत होने पे हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। वापस से हम अभी कर्व का लाइन इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब हम व्यू में जा करके 100% में चले जाएंगे। एक सिंपल सा डिजाइन रेडी हो चुका है दोस्तों। अब यहां से हम सरफेस पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसके व्हील्स बना पाए। सिमिलरली दोस्तों, हमें सर्कल अभी भी सिलेक्टेड रखना है और सर्कल्स बनाने हैं। दोस्तों, अब यहां हमारा टायर तैयार होते हुए दिख रहा है। सिमिलरली आप सर्कल फिर से बनाए और थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन दिया गया है जो कि पहले वाले पेंट वर्जन में नहीं था। तो यहाँ हमारे व्हील्स रेडी हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें एक बॉडी का कवर बनाने के लिए फिर से एक और सर्कल बनाना होगा। सिमिलरली यहाँ पर अब यहां से जूम कर लीजिए दोस्तों और इरेजर का इस्तेमाल करके हम इसे इरेज करेंगे। सिमिलरली आप राइट वाले सर्कल को भी इरेज कीजिए। अब हमें जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, उसे क्लोज कर देना है। जूम कर लेंगे दोस्तों। अब व्यू में जाकर के मैं वापस जूम आउट हो रहा हूं। अब हमें जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, उसे ज्वाइन करने होंगे।
तो दोस्तों अब आप देख पाएंगे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो गाड़ी का डिज़ाइन का है वो यहाँ पर दिख रहा है। हम यहाँ पर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अब बाकी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एक विंडो ऑफ कोर्स लगेगा दोस्तों, बिना विंडो के हमारी गाड़ी अधूरी है। हम चाहे तो एक लंबी विंडो भी दे सकते हैं दोस्तों। और ये अंडू का ऑप्शन है दोस्तों, इसका यूज करके हम कोई भी मिस्टेक को हटा सकते हैं। दोस्तों अब हमारे यहाँ पे विंडो तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम इस गाड़ी के हेडलाइट्स ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों हेडलाइट्स आपकी गाड़ी के एक इम्प्रेशन बनाने वाले इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, इसलिए आप उन्हें जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से शेप दीजिए, ताकि उसमें एग्रेसिव या क्लासी या आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वैसा डिज़ाइन आए। सिमिलरली हम रियर साइड के हेडलाइट्स भी ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो अब आइए चलिए अब हम इसे कलर भरते हैं दोस्तों। ये है फिल विद कलर ऑप्शन, यहाँ पे आपको कोई एक कलर चूज करना होगा गाड़ी के लिए। लेट्स टेक रेड कलर। ओके, सो ऐसा आने पे दोस्तों यही रीज़न हो सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो बॉडी का शेप है वो क्लोज नहीं था, इसलिए बाहर कलर स्टिल हो गया। हमें जूम इन करके जो एरर है वो चेक करना होगा। तो यहाँ देखना होगा हमें कहीं क्लोज है नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ये एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा जहां से ये क्लोज नहीं हुआ है, इसकी वजह से हमारा कलर बाहर चले जा रहा है। इसे हम टिक कर देंगे। अब हम फिल करेंगे दोस्तों कलर वापस से रेड कलर। अब आप देख सकते हैं कि अपना गाड़ी का कलर रेड हो चुका है। सिमिलरली अपन हेडलाइट्स को ऑरेंज क्लिक करेंगे और विंडोज को डार्क ब्लू और व्हील्स को ऑफकोर्स यहाँ ग्रे कर देंगे दोस्तों। यहाँ आप ये भी चलेगा, सॉरी ग्रे ये है। दोस्तों अब हम बैकग्राउंड को लाइट ब्लू कलर देंगे, कस्टम कलर से ले लेते हैं। जी ओके, हमें कंप्लीट दोस्तों। सो कैसा लगा आपको ये छोटा सा स्किल, आप जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर कीजिए ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।